नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं आज आपको टॉन्सिल की जो बीमारी है इसके मतलब कोई अच्छी बात बताऊंगा। ये ऐसी प्रॉब्लम है जो तमाम एज ग्रुप में देखी गई है, स्पेशली बच्चे जो हैं स्कूल में वो इसका ज़्यादा निशान होता है। टॉन्सिल का मर्ज, इसके मतलब सबसे पहले बात यह, पहले ENT कॉन्फ्रेंस आप देख सकते हैं जनरल ज़िया साहब बैठे हुए हैं, मैं स्पीच कर रहा हूँ, पहली कौमी कॉन्फ्रेंस, फर्स्ट नेशनल ENT कॉन्फ्रेंस, यानी एक पहला साइंटिफिक एक प्रॉपर एक आगाज़ हुआ जिसमें हमें मौका मिला कि हम एक्सचेंज ऑफ नॉलेज कर सकें। डेलीगेट्स केम फ्रॉम अब्रॉड विद इन द कंट्री आल्सो एंड दे ऑल स्पोक अबाउट द टॉन्सिल प्रॉब्लम। टॉन्सिल सब दिस द मोस्ट कॉमन यू सी प्रॉब्लम स्पेशली इन न्यू हॉस्पिटल यू कैन सी कि वे मेरा देख सकते हैं कि आप इसमें टॉन्सिल के जो ऑपरेशन करते थे इस हॉस्पिटल में, आउटडोर में मैं बैठता था, माएँ लेके बच्चों को आती थी, जब ज़्यादा देखते थे इतने मोटे मोटे टॉन्सिल होते थे, कुछ तो बच्चों के कान भी डरे होते थे। अब ये टॉन्सिल की वजह से कान बहुत ज़्यादा इफेक्ट होते हैं बच्चों से, तालीम इफेक्ट होती है, बच्चे कमज़ोर हो जाते हैं, बार बार एंटीबायोटिक दवाइयाँ खिलानी पड़ती हैं, एप्लीकेशन स्कूल में लिख के भेजनी पड़ती है कि बच्चा फिर बीमार हो गया, बिकॉज दिस इज टॉन्सिलाइटिस इज ए प्रॉब्लम विच इज एसोसिएटेड विद रिपीटेड अटैक्स ऑफ सोर थ्रोट अलॉन्ग विद हाई ग्रेड फीवर। Interval is not even more 1 to 2 months. Again and again, again and again. Such situation I have seen in the ENT outdoor in the hospital. I can tell you very frankly, this is not a simple situation. Tonsillitis can give to the problem of ear discharge. It can cause a problem of you see joints. It can give a problem to the kidneys. It can hit the heart. Most important thing that he has to take antibiotic again and again. उस शख्स को, उस बच्चे को बार बार एंटीबायोटिक खानी पड़ती है, उससे उसका जिगर मुतासर हो जाता है, भूख कम हो जाती है, बच्चा कमज़ोर सा हो जाता है। सच सिचुएशन में ये हमारी ENT कॉन्फ्रेंस जो थर्ड साल की ENT कॉन्फ्रेंस लाहौर में मैंने कराई, अल्लाह की मेहरबानी से पहला मेगा इवेंट था पाकिस्तान की हिस्ट्री में कि वर्ल्ड प्रेसिडेंट आया। कहते हैं कि हाथी के पाँव में सबका पाँव, वर्ल्ड प्रेसिडेंट आ गया जॉन जे ग्रोटे, ही केम फ्रॉम नीदरलैंड, इसके मतलब पूरी दुनिया आ गई। वो 190 मुल्कों की एक एसोसिएशन है जिसको IFOs कहते हैं, उसके वो प्रेसिडेंट थे, इंटरनेशनल फोरम ऑफ ओटोरिनोलॉजिकल सोसाइटीज। इट्स अ बिग यू सी ब्लेसिंग फॉर माय कंट्री इन पाकिस्तान, सच हाईली क्वालिफाइड एंड सच प्रेस्टिजियस पीपल they are coming for the transfer of technology. Then president of SAR countries professor Lawdin, he came from Dhaka, he was a dean of the you see postgraduate ENT center there in Dhaka university. He brought 40 people, 40 you see ENT specialists, they came from Dhaka, Bangladesh, they participated in this conference, also from the other SAR countries. It was a big occasion. इसमें सबसे ज़्यादा जिस चीज़ के ऊपर बात की गई है वो टॉन्सिल्स का था। टॉन्सिल की बीमारी बहुत कॉमन है। मैं भी जब न्यू हॉस्पिटल में रजिस्ट्रार था, सीनियर रजिस्ट्रार था, असिस्टेंट प्रोफेसर था, एसोसिएट प्रोफेसर, हर कैपेसिटी में मैंने काम किया। वहाँ पर जब हम सुबह ऑपरेशन शुरू होती थी, सबसे पहले टॉन्सिल का ऑपरेशन शुरू होते थे 4-5 बजे सुबह। छोटे छोटे बच्चे 5 साल का, को 8 साल का, वो बेचारे आ रहे हैं, उनको टेबल पर डाल रहे हैं, 5 मिनट में हम ऑपरेशन करके फर्क कर देते थे। ट्रांसफर का ऑपरेशन को डिफिकल्ट नहीं है, ये तो मुंह खोल के अंदर से गन्ना पार से काटना नहीं पड़ता, तो उसका फिर असर पता बहुत अच्छा होता है। जैसे बच्चे को हैंड ब्रेक लगी होती नहीं गाड़ी की, वो खुल जाती है, बच्चा जो पिचका हुआ उसकी कद, उसकी नशोनुमा, उसकी सारी सेहत, उसकी पढ़ाई, वो सारे का सारा ऑपरेशन के बाद अल्लाह की मेहरबानी से एक मिरेकुलस इफेक्ट होता है। उसकी खाना पीना बेहतर हो जाता है, उसकी तालीम बेहतर हो जाती है, बच्चे का रंग रूप बेहतर हो जाता है, और अब माशाल्लाह नसीजे की अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, ऑपरेशन क्वाइट ईजी। टॉन्सिल के ऑपरेशन के लिए सबसे ज़्यादा बात जिस चीज पर की गई है वो मिस्र में थी, इन इजिप्ट आई वेंट, वहाँ पर कायरो में हमारी वर्ल्ड ENT कॉन्फ्रेंस थी। आप देख सकते हैं मैं वो कायरो में खड़ा हूँ, ये पिरामिड्स के साथ भी हूँ, और डेलीगेट्स भी वहाँ मौजूद थे, हमारे साथ ही गए थे वो पिरामिड्स देखने के लिए। सब ने अच्छे तरीके से उसको इन्जॉय भी किया उस ट्रिप को, और लर्न भी किया। उस वहाँ यही था कि टॉन्सिल के साथ जो बच्चा आए उसको संजीदगी से नहीं, वैसे दो शब्द लेकर फारिग कर देना ये तो कोई काम नहीं, वो तो मरीज़ खुद भी जाके
किसी मेडिकल स्टोर से कभी सब्ज रंग का पीले रंग का शरबत ले लेते हैं, मरीज बच्चे को आराम आ जाता है महीने के लिए, फिर उसको प्रॉब्लम हो जाती है। मसला यह है कि उसकी प्रॉब्लम को मिशन लिए खत्म करना है। एंटीबायोटिक बार बार देने से बच्चे का जिगर, मेदा, पूरा जिसम मुतासर होता है, तालीम भी मुतासर होती है। चलो एक दिन टांसल का ऑपरेशन है, कुछ दो चार दिन पाँच दिन उसको छुट्टी करवा ली, पेशेंट बच्चा बाद में स्कूल जाना शुरू कर देगा। यहाँ तो हर महीने के महीने की एप्लीकेशन लिखनी पड़ती है टू द प्रिंसिपल टू दर। ये मैंने एक जो कॉन्फ्रेंस थी हमारी, सबसे बड़ी अच्छी जो बाद में कहूँगा, नेपाल में काठमांडू में, काठमांडू में मैंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया और साइंटिफिक सेशन को भी चेयर किया। मैं बैठा हूँ, आई एम चेयरिंग द साइंटिफिक सेशन इन दी सेकेंड ईएनटी कॉन्फ्रेंस विच टुक प्लेस इन द कैपिटल ऑफ दिस सी नेपाल। वहाँ भी उन्होंने यही कहा, दे टोल्ड दैट वी शुड डू समथिंग अबाउट द ट्रांसल प्रॉब्लम बिकॉज द चिल्ड्रन दे आर सी दे नीड सम हेल्प। व्हेन वी रिमूव द ट्रांसल, बच्चा उसके बाद माशाल्लाह तरोताज़ा हो जाता है, ठीक हो जाता है। फिर हमारी ये ईएनटी की कॉन्फ्रेंस मलेशिया की थी, वहाँ भी टेंथ एशिया ओशियाना में उन्होंने यही कहा। बल्कि टर्की की जो कॉन्फ्रेंस है वहाँ पर तो स्पेशल सेशन थे, ये टर्की की जो हमारी कॉन्फ्रेंस हुई इन अंकरा में, आई रिप्रेजेंट पाकिस्तान इन द टेंथ ईएनटी कांग्रेस देयर, आप देख सकते हैं वहाँ पर मैं डेलीगेट्स के साथ खड़ा हूँ। उन्होंने भी कहा कि ट्रांसल का ऑपरेशन अगर वो तमाम इंडिकेशंस हैं, जैसे मैं फातिमा जिन्ना मेडिकल कॉलेज में एग्ज़ाम लेने जाता था, इलामा इकबाल में फाइनल ईयर एमबीबीएस का एग्ज़ाम मैं लेता था, फैसलाबाद में भी मैं लेता रहा, पंजाब मेडिकल कॉलेज फैसलाबाद में एमबीबीएस का एग्ज़ाम, फिर पिंडी मेडिकल कॉलेज में भी जाकर मैंने एमबीबीएस का एग्ज़ाम किया। वहाँ पूछते थे व्हाट आर द इंडिकेशन ऑफ टाउन सेलेक्ट में, जो बच्चा बता देता था उसको एमबीबीएस में पास कर देते थे, जो नहीं बताता था इट वॉज ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसके ऊपर कोई माफ़ी नहीं थी। व्हाट आर द इंडिकेशन ऑफ ट्रांसलेक्टमी ऑपरेशन, व्हाट आर द कंट्रा इंडिकेशन ऑफ ट्रांसलेक्टमी ऑपरेशन, ये जो बच्चा बता देता था कंट्रा इंडिकेशन उसको और ज़्यादा नंबर दे देते थे, कहाँ नहीं करना। जरूरी नहीं कि जो बच्चा आ गया उसका गला काट के आपने ऑपरेशन कर देना, अगर उसको ब्रीडिंग डिसऑर्डर है या कुछ और प्रॉब्लम है तो वी कैन वेट। ट्रांसल का ऑपरेशन उन्हीं बच्चों में करना चाहिए जो फिट हैं उस सर्जरी के लिए, इसका फिर फैसला ईएनटी स्पेशलिस्ट करता है। ये हमारे जो ईएनटी की कॉन्फ्रेंस थी दिल्ली में, फिफ्थ साल की एंटी कॉन्फ्रेंस, जिसका अल्लाह की मेहरबानी से मैंने इफ्तिताह भी किया, वहाँ भी स्टेट ऑफ आर्ट लेक्चर थे कि ट्रांसल प्रॉब्लम शुड बी हैंडल्ड इजीली बट विद प्रिकॉशंस। थैंक यू।